सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली टौणी देवी तहसील के तहसीलदार व नायब तहसीलदार के पद गत 4 महीनों से रिक्त होने के कारण आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। इसी मुद्दे पर सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार को जल्द ही रिक्त पदों को भरने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द ही नियुक्तियां नहीं की जाती है तो जनता को संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस मौके पर विभिन्न ब्लॉकों व पंचायतों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं उपायुक्त ने नियुक्ति होने तक हफ्ते में 2 दिन सुजानपुर के तहसीलदार को टौणी देवी बैठने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। उपायुक्त कार्यालय पहुंचे कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सुशील पठानिया, टपरे पंचायत की प्रधान रजनीश बारी, पंचायत प्रधान बबीता चौहान ने लोगों को आ रही समस्याओं से उपायुक्त को अवगत करवाया। लोगों का कहना है कि गत 4 महीनों से तहसील के कार्यों को लेकर यहां वहां भटकना पड़ रहा है और दोनों पद रिक्त होने से काफी परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि तहसील में लोगों के विभिन्न प्रमाण पत्रों के अलावा राजस्व संबंधी कार्य निपटाए जाते हैं और प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग अपना कार्य निपटाने के लिए तहसील आते हैं। विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि उन्होंने सरकार से बार बार पत्राचार कर टौणी देवी में रिक्त पदों को भरने की मांग की है, लेकिन सरकार ने आज तक कोई भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि तहसील महत्वपूर्ण नहीं है तो इसे बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जल्द ही नियुक्तियां नहीं करती है तो जनता को संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। क्षेत्र में टौणी देवी तहसील में पिछले लगभग 2 अप्रैल से खाली है। 2 अप्रैल मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने से तहसीलदार जो है उसकी जो पोस्ट है वो खाली पड़ी है। तहसीलदार को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है। लोग जो हैं अपने काम करवाने के लिए रोज तहसील के चक्कर लगाकर भटक रहे हैं और अभी डिप्टी कमिश्नर साहब से मिले हैं। उन्होंने कहा कि एडिशनल चार्ज जो है 2 दिन के लिए जो है वो तहसीलदार को वहां बैठाया जाएगा। मैंने व्यक्तिगत तौर पर सरकार को जो है डीओ लिखा था कि यहां पर तहसीलदार नहीं है और 2 तहसीलदारों की पोस्ट है, नायब तहसीलदार और तहसीलदार की पोस्ट खाली पड़ी है। आखिर आम आदमी जो है उसको अपना छोटा मोटा काम करवाने के लिए तहसील में ही जाना पड़ता है और लोग जो है दर बदर जो है भटक रहे हैं और सरकार जो सोई हुई है। इसलिए आज सरकार को जो है डीसी साहब के माध्यम से जो है एक मेमोरेंडम दिया गया है कि सरकार तुरंत जो है टौणी देवी में तहसीलदार की पोस्ट को भरे, दोनों पोस्टों को भरे। दोनों नहीं भरी जाती हैं तो कम से कम एक तहसीलदार जो है वहां पर नियुक्त किया जाए ताकि लोगों को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उसको दूर किया जाए। तो ये कहना चाहते हैं कि 4 महीने से तहसील बंद पड़ी है, या तो इस तहसीलदार को बंद कर तहसील को बंद कर दें। अगर इनको लगता है कि तहसील जो है जायज नहीं है तो ये मुझे लगता है कि लोगों के साथ अनजस्टिस है, वरना आखिर लोग जो हैं वो संघर्ष का रास्ता अपनाते हैं। लोग सड़कों पे उतरेंगे और आखिर जो है सरकार को जगाने के लिए ये सब कुछ जो है लोगों को करना पड़ता है और लोगों के साथ अन्याय जो है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हफ्ते में 2 दिन सुजानपुर के तहसीलदार को टौणी देवी बैठने के निर्देश पर राणा ने कहा कि इसके कारण सुजानपुर के लोगों को परेशानी होगी और 2 दिन उनके कार्य लटक जाएंगे। 2 दिन फिक्स किए जा रहे हैं कि 2 दिन तहसीलदार जो है सुजानपुर के वहां पर बैठेंगे। अब तहसीलदार सुजानपुर के बैठेंगे तो सुजानपुर में लोगों को समस्या आएगी। सरकार को चाहिए कि तुरंत इस पोस्ट को भरा जाए। राणा ने आरोप लगाया है कि जयराम सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और सुजानपुर के विकास को रोकने में लगी हुई है, जिसका खामियाजा उन्हें लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा। चाहता हूं कि लोगों ने 5 साल राजा वीरभद्र के नेतृत्व में सरकार को देखा है और अब जो है वर्तमान में भी लोग देख रहे हैं। पिछले 7-8 महीने में जब से नई सरकार बनी है सुजानपुर में एक सिंगल ईंट नए काम की नहीं लगी है, बल्कि जो पुराने काम शुरू हुए थे और जो पैसा सैंक्शन किया गया था, जिनके लिए बजटरी प्रोविजन किया गया था, उनको भी रोकने की जो है वो कोशिश की गई है। हमने संघर्ष किया है, उनको शुरुआत उनकी करी गई है और कई जगह अभी भी सुजानपुर में टाउन हॉल, जिसके लिए 3.5 लाख का जो है वो एस्टीमेट पास हुआ था, 75 लाख उसके लिए किस्त भी जारी हुई है और ये पिछले सरकार में आई हुई है। अभी तक सरकार जो नई सरकार है एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके लिए जमीन जो है उपलब्ध नहीं करवा पाया और उसको खटाई में डालने की कोशिश की जा रही है। लोग सब कुछ देख रहे हैं और इसका खमियाजा वर्तमान सरकार को जो है वो 2019 में इसका भुगतान करना पड़ेगा।
हमारे वहाँ टौनी देवी चौकलाव के उसमें तहसीलदार है, बड़े भी और छोटे भी, दोनों ही वहाँ पर मौजूद हैं। 2 अप्रैल से जो है वहाँ हमारी ये सीटें दोनों खाली चल रही हैं, और इसके लिए हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को जिला हिस्सा मीटर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा क्योंकि वहाँ स्थायी नियुक्ति हो तहसीलदार को। तो आश्वासन दिया है इन्होंने कि जो सुजानपुर के तहसीलदार हैं उनको जो है वीकली 2 दिन जो है उनको फिक्स किए जाएंगे।